हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग, आज आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में। एंड द सेशन इज ऑल अबाउट जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज। तो द टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है और आज का टॉपिक है इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। सो एक नया अध्याय, एक नया टॉपिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट, और वो है इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। क्लियर? हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी काफी वेटेज है, काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वैसे भी हर भारतीय को पता होना चाहिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी, और आज उसका ये पहला अध्याय है। इस इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, इतिहास का इतिहास, वो हम इससे पिछले वाले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आई, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, धर्म सभा, ऐसे कई मूवमेंट्स आए जिससे लोगों की क्या हुई, अवेकनिंग हुई, रीबर्थ, रिनाइसा, सोच बदली और अपने आप में प्राउड की फीलिंग पैदा हुई। हम गुलाम क्यों बने रहे, हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई क्यों ना लड़े, जब बच्चों को पढ़ाया गया स्कूलों में, कॉलेजों में, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन की सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने पर जीत मिलती है। ये तीन क्रांतियां बड़ी क्रांतियां थी। अमेरिका, जो कि इंग्लैंड की गुलामी काफी लंबे समय से सह रहा था, उसे आजादी पाई। अमेरिका वॉन इंडिपेंडेंस। इफ अमेरिकन्स कैन डू इट, व्हाई नॉट इंडियंस। फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ये सब बड़ी बड़ी क्रांतियां थी। तो इसी से सीखते हुए हम लोगों ने भी यहाँ विचार किया कि क्यों ना हम भी अपनी आजादी के लिए लड़ना शुरू करें। पर ये एक साल, दो साल, तीन साल या एक दशक या दो दशक में नहीं हुआ, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता कैसे हम लोग आजादी की तरफ आगे बढ़े, आज मैं उसकी कहानी आपको सुनाना शुरू करने जा रहा हूं। आई प्रॉमिस यू विल एंजॉय दिस सेशन, नॉट ओनली दिस सेशन, यू विल एंजॉय दिस होल जर्नी ऑफ Study of Indian National Freedom Movement. Okay? तो हम start कर रहे हैं modern history का सबसे important aspect, Indian National Freedom Movement. Let's start. तो शुरुआत होती कहां से, समझिए। Organized तरीके से अंग्रेजों से लड़ना, अंग्रेजों को अपनी बात समझाना, ये जो process start हुआ, ये कैसे हुआ? Associations, unions बनती है। जो सबसे बड़ी पार्टी थी जिसने आजादी की लड़ाई में अगुवाई की, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी जो थी वो अगुवाई कर रही थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो इतिहास है, ठीक है, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो वो अर्ली रूट्स ऑफ इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट की कहानी हमारे सामने आती है। तो मैं वही आपके सामने रखने जा रहा हूं। Better explain करने के लिए, I would have to share my screen with you people, and here comes my screen. Okay, let's start with it. So my screen is here. Not this one. Wait. I'm going to show you my screen. This is my screen. Okay. Now, this is International Freedom Movement. The very first aspect which I would like to discuss with you is Indian National Congress. Can I start? Ye dekhiye. Indian National Congress banne se pehle kya bana tha? Bana tha the National Conference. Kya hai National Conference? National Conference कब बनी थी? 1883 में बनी थी। किसने मिलके बनाई? The prominent public men, जो उस समय के main नेता थे, और
and associations to discuss questions on general concern. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कुछ लोगों ने मिलकर बनाया क्या, The National Conference, और वो कब बनी, 1883 में. फिर उसके अगले साल एक और बॉडी बनी, ठीक है, और इस पुरानी बॉडी से बड़ी बॉडी बनी इस बार, और वो उसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन. ये 1884 में बनी, और ये किसने बनाई, एओ ह्यूम का पूरा नाम क्या, एलन ऑक्टेवियन, लिख लीजिए, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम. ये कौन था, ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था, जैसे आज की डेट में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, तो ये भी एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था, रिटायर्ड था, और इसने स्टार्ट किया था 1884 में इसको, और बाद में यही वो इंसान है जिसको हम कहते हैं फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे, अभी स्नेहा ने लिखा नू, मैं समझ नहीं पाया स्नेहा आप क्या कह रहे थे, तो माइक ऑन करके अपनी बात बोल सकते हैं आप. ठीक है जी, सो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जिसने इंडियन नेशनल, देखिए नाम देखो, इंडियन नेशनल यूनियन बनाई थी, उसी ने अगले साल बनाई थी एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये कौन था, रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट. ओके, कहां पर हुई थी पहली मीटिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज. Excuse me, sir. Yes, tell me. Sir, on the screen it is showing model set 1. MCQs. मैं समझ गया. एक मिनट. अभी सब ठीक कर दूंगा within 1 second. अब बताएं क्या दिखाई दे रहा है. ठीक है बच्चे. ठीक है बच्चे. यस सर. मैं फिर से बोल रहा हूं, द नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देता हूं, थोड़ा सा मुझे रिपीट करना पड़ेगा, लेट मी.